बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर प्रेपोजिशन के टॉपिक को कंप्लीट किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंजंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो व्यूवर्स, आज हम कंजंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, व्यूवर्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आप लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। तो व्यूवर्स, आइए हम अपने आज के इस इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और हमारा लेक्चर का टॉपिक है कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स। कंजंक्शन और उसकी टाइप्स के हवाले से हमारा लेक्चर है। तो व्यूवर्स, अगर आप वाइट बोर्ड पर फोकस करें तो मैंने कंजंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, हम इस डेफिनेशन को रीड करते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। अ वर्ड दैट ज्वाइन, एक ऐसा लफ्ज जो कि ज्वाइन करता है, मिलाता है किसे, टू वर्ड्स, ठीक है, दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाता है, फ्रेजेस या फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, और क्लाजेस या क्लाजेस को आपस में मिलाए, इस कॉल्ड अ कंजंक्शन। अब आसान लफ्ज़ों में व्यूवर्स में इसी डेफिनेशन को आप लोगों को समझा देता हूँ कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करे उसको हम कंजंक्शन कहेंगे, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि दो फ्रेजेस को ज्वाइन करे उसको भी हम कंजंक्शन कहेंगे, इसी तरह से कोई भी ऐसा वर्ड जो कि दो क्लाजेस को आपस में ज्वाइन करे उसे भी हम कंजंक्शन का नाम देंगे। लेकिन व्यूवर्स, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे एक कंजंक्शन दो वर्ड्स को ज्वाइन करती है। व्यूवर्स, एक मिसाल लेते हैं। एक मेरे पास पेन मौजूद है और एक मेरे पास पेंसिल मौजूद है। मेरे पास एक पेन है और एक पेंसिल है। अब मैं इस पेन और पेंसिल को आपस में ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों पेन वाले वर्ड को और पेंसिल वाले वर्ड को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मिलाना चाहता हूँ, ठीक है, एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करके। अब मैं क्या कहूँगा कि पेन एंड पेंसिल। अब पेन एक लफ्ज़ था, पेंसिल दूसरा लफ्ज़ था, और पेन और पेंसिल को मिलाने वाला तीसरा लफ्ज़ एंड क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। तो लिहाजा अब एंड ने क्या किया, पेन और पेंसिल को आपस में मिला दिया। तो कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को आपस में मिलाने के काम आता है। तो कंजंक्शन हमने देखा पेन एंड पेंसिल के अंदर, पेन और पेंसिल को आपस में मिला रहा है, तो कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करने के काम आता है इस तरह से। इसी तरह से हमने दूसरे नंबर पे देखा कि कंजंक्शन फ्रेजेस को भी ज्वाइन करने के काम आता है। व्यूवर्स, इससे पहले कि हम ये देखें कि कंजंक्शन किस तरह से फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करने के काम आता है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि फ्रेज क्या होती है। तो इंग्लिश के अंदर फ्रेज से मुराद वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होता। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। तो इसकी मिसालें क्या हैं फ्रेजेस की, जैसा कि है एक वर्ड बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑन द वॉल। अब ऑन द वॉल एक फ्रेज है, क्यों, क्योंकि ऑन द वॉल में कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसी तरह से ऑन द वॉल में कोई वर्ब मौजूद नहीं है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो उसे फ्रेजेस कहते हैं। इसकी मिसाल ऑन द वॉल है, इन द वाटर है। अब ये क्या हैं, दोनों फ्रेजेस की मिसालें हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंजंक्शन है ये दो फ्रेजेस को भी आपस में ज्वाइन करने के काम आती है। अब देखें ऑन द वाटर, ऑन द वॉल एंड इन द वाटर। अब मैं ऑन द वॉल और इन द वाटर को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ एक कंजंक्शन के ज़रिए। मैं कहता हूँ ऑन द वॉल एंड इन द वाटर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों फ्रेजेस को, ऑन द वॉल वाली फ्रेज को और दूसरी फ्रेज इन द वाटर को, इन दोनों फ्रेजेस को मैंने एंड के साथ जोड़ दिया। मैंने कहा ऑन द वॉल एंड इन द वाटर। अब क्या हुआ, यहाँ पे दो फ्रेजेस आपस में जुड़ गई, किसकी मदद से, एंड की मदद से। और एंड क्या है, एक कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन क्या करती है, दो वर्ड्स को भी आपस में ज्वाइन करती है, दो फ्रेजेस को भी आपस में जोड़ती है। इसी तरह से कंजंक्शन का तीसरा काम क्या होता है कि ये दो क्लॉजेस को भी आपस में ज्वाइन करने के काम आती है। अब क्लॉजेस क्या होती हैं, क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है।
ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपना सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो और वो मुकम्मल मायने दे सकते हो। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अपना सब्जेक्ट हो, जिसके अंदर अपना वर्ब हो और वो मुकम्मल मायने दे सकते हो, उनको हम क्लाजेस कहते हैं। आम तौर पर क्लाज को समझने के लिए सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं, मुकम्मल सेंटेंसेस हैं, वो एक क्लाज की हैसियत रखते हैं। और कंजंक्शन दो क्लाजेस को भी मिलाने के काम आता है। अब हम इसकी भी मिसाल लेते हैं। अगर आप वाइट बोर्ड पर फोकस करें तो मैंने लिखा हुआ है आई लाइक टू रीड। मैंने कहा जितने भी इंग्लिश के अंदर जुमले हैं वो क्लाजेस के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं, उनको हम क्लाज कह सकते हैं। वजह ये होती है कि हर जुमले के अंदर एक अपना सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है और वो मुकम्मल मायने दे रहा होता है, लिहाजा हर जुमला हमारे लिए एक क्लाज है। तो अब हमने दो क्लाजेस लिखी हुई हैं, आई लाइक टू रीड। इसी तरह से दूसरी फ्रेज़ है आई लाइक टू राइट। ठीक है, अब मैंने ये दो क्लाजेस लिखी हुई हैं और इन दो क्लाजेस को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ किसके ज़रिए, कंजंक्शन के ज़रिए। तो मैं कैसे लिखूँगा, आई लाइक टू रीड एंड राइट। ठीक है, मुझे पढ़ने का और लिखने का शौक़ है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों जुमलों को, इन दोनों क्लाजेस को ज्वाइन कर दिया एंड की मदद से, जो कि एक कंजंक्शन है। तो व्यूअर्स, इस जुमले से हमें ये पता चला कि जो कंजंक्शन है वो दो क्लाजेस को भी आपस में ज्वाइन कर सकती है, इसी तरह से दो वर्ड्स को भी आपस में ज्वाइन कर सकती है, दो फ्रेजेस को भी आपस में ज्वाइन कर सकती है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करे, दो फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करे या दो क्लाजेस को आपस में ज्वाइन करने के काम आए, उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं ग्रामर में। और कंजंक्शन की तीन टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी है व्यूअर्स, हम इसे रीड करते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन की तीन बड़ी अहम टाइप्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप है कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन कंजंक्शंस। तो पहली टाइप कंजंक्शन की कौन सी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरी टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन की दूसरी टाइप है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कंजंक्शन की लास्ट टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि कंजंक्शन की बेसिकली तीन बड़ी टाइप्स हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दूसरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तीसरी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दो बड़ी अहम बातों को स्टडी किया। हमने आज ये स्टडी किया कि कंजंक्शन ग्रामर की रो से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजंक्शन क्या होती हैं, और फिर कंजंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। कंजंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के काम आए, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के काम आए या दो क्लाजेस को ज्वाइन करने के काम आए, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। और इसी तरह से फिर हमने पढ़ा कंजंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। हमने कहा कंजंक्शन की बेसिकली तीन टाइप्स हैं। एक का नाम है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरे का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरी टाइप का नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंजंक्शन की इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंजंक्शन ही के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।